हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए राजेंद्र अरोड़ा। और दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। 1 अक्टूबर 2019 से एक नोटिफिकेशन आई 20/2019 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसमें रेट ऑफ सर्विसेज के ऊपर क्लैरिफिकेशन आया और जॉब वर्क की रेट ऑफ सर्विसेज को बदल दिया गया एंट्री नंबर 26। दोस्तों, ये वीडियो आज हम जो बना रहे हैं, आज हम बात करेंगे जॉब वर्क सर्विसेज के ऊपर। अब आप ध्यान से समझिए, आप पूरा आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कंक्लूजन है इस वीडियो का वो आखिरी में आने वाला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ बातों को, इस पूरी की पूरी एंट्री नंबर 26 चैप्टर हेडिंग 19988 को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देखते हुए नोटिफिकेशन 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट अपडेटेड अपने पास रखें। अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए आप टैक्समैन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, taxman.com से आप वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन जो टैक्समैन से डाउनलोडेड है वो आपको भेज दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को सुनते हुए आपके अपने पास अपडेटेड 11/17 जरूर रखें, क्योंकि हम पूरी एंट्री के आपस में इंटरप्ले को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 26 की बात हो रही है, चैप्टर हेडिंग 9988 की बात हो रही है। उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है चैप्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स विद इन ब्रैकेट गुड्स ओन्ड बाय अदर्स। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स ओन्ड बाय अदर्स। यहां पर पूरी एंट्री में 26 की जो एंट्री है, 26 नंबर सीरियल नंबर पे है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, भेद क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक जगह लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क हेडिंग की शुरुआत में, दूसरी जगह लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। Services by way of job work and services by way of treatment or process on goods belonging to another. अब इन दोनों में क्या difference है? जब services by way of job work की बात करते हैं तो job work समझने की कोशिश करते हैं। Job work का मतलब है any process or treatment on goods belonging to another registered person. Registered person. Section 2 subsection 68 of the CGST Act. Job work की definition. वो कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर अगर कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस करोगे तो जॉब वर्क कहलाएगा। इसीलिए यहां पर एंट्री में दो डिस्टिंक्ट नरेशंस या नॉमेनक्लेचर्स यूज हुए हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। इसका मतलब विजुअलाइजेशन लॉ की क्या है कि भैया जॉब वर्क तो तब होगा जब पर्सन रेसिपिएंट जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का, वो रजिस्टर्ड होगा, लेकिन ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर तब होगा जब जो सर्विसेज रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड होगा। तो ये बेसिक डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई है। इस डिस्टिंक्शन को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं इन एंट्रीज के आपस में इंटरप्ले के द्वारा। नोटिफिकेशन टेक्स्टमैन से डाउनलोड करके आप खोल कर रखें दोस्तों, ताकि आप उसको ढंग से पढ़ सकें। सिर्फ मेरी वीडियो सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उस नोटिफिकेशन को। अब अमेंडमेंट के बाद यहां पर दो रेजिडरी एंट्रीज आ गई, एक आईडी 1D और एक 4 ऑलरेडी जो थी। 4 में ये भी लिख दिया गया कि आईडी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब आईडी इंडिपेंडेंट रेजिडरी एंट्री है और 4 जो है वो इंडिपेंडेंट रेजिडरी एंट्री है, आपस में दोनों का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एक और बात मैं बता दूं, जितनी भी एंट्रीज इस सीरियल नंबर 26 पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के ऊपर, जॉब वर्क के ऊपर कह लो, लूजली जॉब वर्क के ऊपर कह लो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इज द एग्जैक्ट वर्ड, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक एंट्री मल्टीपल एंट्रीज में फॉल नहीं हो सकती, आप बिल्कुल समझ जाइए। अब I-1D जो है वो तब लगेगी जब जॉब वर्क, रेजिडरी एंट्री की बात कर रहा हूं, जब जॉब वर्क होगा, और जॉब वर्क कब होगा, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तब वो 1D लगेगी, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो 4 लगेगी, आप ध्यान रखिएगा। अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा और रेजिडरी कैटेगरी में आएगा तो रेट ऑफ टैक्स 12% लगेगा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट होगा और रेजिडरी एंट्री एंट्री 4 में आएगा तो रेट ऑफ टैक्स 18% लगेगा, ये भी आप समझ लीजिए। अब मैं आपको इसके इंटरप्ले के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन या जॉब वर्क
मतलब अगर जॉब वर्क कहेंगे तो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट होना चाहिए। जहां पर ये रजिस्टर्ड पर्सन आरपी और यूआरपी, रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन का डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है वो कहां कहां से नजर आता है, दो ओकेजन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं। यहां पर मैं अपने सारे एक्सपर्ट दोस्तों का पूरी कंट्री से हेल्प के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा डिस्कशन के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि एक्चुअली इस बात को इस तरह से विजुलाइज किया जाना चाहिए। हालांकि ये मेरा अभी का ओपिनियन है, ये फ्यूचर में अगर कोई और डेवलपमेंट, कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो वो अकॉर्डिंगली सूटेबली अमेंड हो सकता है। अब यहां पर आप अपनी नोटिफिकेशन खोल लीजिए जो आपने टेक्स्ट मंथ से डाउनलोड की है। क्लॉज वन और टू को देखिए। क्लॉज वन में लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48 एंड 49। रेट ऑफ टैक्स लिखा है इसके ऊपर 5%। देखिएगा, प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48 एंड 49, रेट ऑफ टैक्स लिखा है 5%। एंट्री नंबर टू पे आइए, वहां लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। नीचे लिखा है प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, इन रिलेशन टू प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग ऑफ गुड्स एंड प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48 एंड 49, रेट ऑफ टैक्स लिखा है 5%। एक ही एंट्री दो बार क्यों लिखी है? एक ही तरह के नरेशंस जो हैं, डिस्क्रिप्शन जो हैं, एक ही तरह की सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, दो बार क्यों लिखी गई? कारण कि प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स और चैप्टर्स 48, 49 पर जो काम होता है उनको 5% में रखना है, चाहे वो जॉब वर्क हो चाहे ट्रीटमेंट और प्रोसेस हो। जॉब वर्क तब होगा जब रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट होगा, और ट्रीटमेंट और प्रोसेस तब होगा जब रजिस्टर्ड पर्सन ना भी रेसिपिएंट होगा। लेकिन रेट ऑफ टैक्स हम क्या रखेंगे? 5%, ताकि बुक्स, न्यूज़पेपर और वो गुड्स एक्सपेंसिव ना हो, उस पर रेट ऑफ टैक्स कम रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जॉब वर्क और ट्रीटमेंट और प्रोसेस में डिस्टिंक्शन। रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट तो जॉब वर्क, अनरजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस। लेकिन यहां पर रेट ऑफ टैक्स एक ही रखा सेम एंट्री के लिए। डुप्लीकेशन क्यों की गई? मल्टीपल एंट्री एक ही चीज के लिए क्यों बनाई गई? ताकि हम ये बता सकें कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, रेट ऑफ टैक्स सेम रहेगा। अगली कहानी इसी के साथ आप नोटिफिकेशन दोबारा खोलें, वन एंड थ्री को देखें। वन में लिखा है जॉब वर्क इन रिलेशन टू टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 50-63, रेट ऑफ टैक्स 5%। जितने भी गारमेंट्स बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट, इन सबसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट और जॉब वर्क होता है, जॉब वर्क जो होता है, जॉब वर्क तब होगा जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, तो 5% रेट। एंट्री नंबर तीन में लिखा है टेलरिंग सर्विसेज। आप मुझे बताइए, टेलरिंग सर्विसेज इज ऑल्सो जॉब वर्क इन रिलेशन टू टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 50-63? वो भी तो जॉब वर्क ही एक तरीके से, लेकिन वहां टेलरिंग सर्विसेज को स्पेसिफिक एंट्री दे दी, रेट ऑफ टैक्स 5 ही रखा। अब क्यों? क्योंकि पहली एंट्री में टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में रेसिपिएंट हैज टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन टेलरिंग सर्विसेज अगर टेलर करता तो वो आइटम नंबर 4 में चली जाती, 18% लगता उसके ऊपर, क्योंकि जॉब वर्क जो है वो सिर्फ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तभी वो आइटम नंबर एंट्री नंबर 1 में फॉल करती। 3 एंट्री इंट्रोड्यूस करने का, रेट ऑफ टैक्स सेम रखने का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि टेलरिंग सर्विसेज क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन ही रिसीव करते हैं मेजॉरिटी, तो उसको 5% रखा जाए ताकि वो भी एक्सपेंसिव ना हो। लेकिन इससे अलग जो चैप्टर 50-63 से के रिलेशन में कोई और अगर जॉब वर्क, ट्रीटमेंट और प्रोसेस होना है अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो वो चैप्टर आइटम 4 में ही फॉल करेगी रेसिड्यूरी 18% में, आइटम नंबर 4 में। लेकिन टेलरिंग सर्विसेज 5% पे, तो इसका मतलब दो ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जहां पर ये नजर आता है कि लॉ आल्सो विजुलाइजेस टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द रेसिपिएंट रजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड। नाउ फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कंक्लूजन को। ट्रीटमेंट और प्रोसेस इफ डन फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन देन इट इज अ जॉब वर्क, इफ इट इज अ जॉब वर्क देन एंट्री आइटम नंबर 1, 1A, 1B, 1C, 1D शैल अप्लाई। अगर 1, 1A, 1B, 1C में स्पेसिफिक रेट में नहीं आता तो 1D में आएगा। अगर जॉब वर्क है, जॉब वर्क तब होगा जब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए काम किया जाएगा, और 1D में आएगा तो 12%। अगर वो ट्रीटमेंट और प्रोसेस है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो वो जॉब वर्क नहीं है, तो वो 2, 2A, 3 एंड 4 में आएगा।
2A और 3 में स्पेसिफिक रेट दिए गए हैं, अगर उसमें आप फॉल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें नहीं हो तो चौथी कैटेगरी 4 जो है वो अनदर दो सेगमेंट हो गए हैं, एक जॉब वर्क वाला सेगमेंट, एक ट्रीटमेंट और प्रोसेस वाला सेगमेंट, एक आरपी वाला सेगमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन वाला सेगमेंट, एक यूआरपी वाला सेगमेंट। तो यूआरपी वाले में रजिस्ट्री कैटेगरी है 4, अगर आप 2A 3 में नहीं आते हैं तो आप रजिस्ट्री कैटेगरी 4 में आएंगे और उसका रेट ऑफ टैक्स लगेगा 18%। तो रजिस्ट्री कैटेगरी कहां कहां लगनी है, रेट ऑफ टैक्स जॉब वर्क का क्या क्या होना है, आई होप कि इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। आप अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो जो टेक्समेंट से डाउनलोडेड वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं व्हाट्सएप कर सकता हूं, आप मेरे मोबाइल पर मुझे मैसेज भेज दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी अपने काम को समझने के लिए, जो जो एक मिस्ट क्रिएट हो गया था अराउंड दिस जॉब वर्क वो हट जाएगा और हमें क्लैरिटी आएगी और हम आर पार देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।